बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज़ डिस्कशन इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। एज़ वी हैव बीन डिस्कसिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर दैट इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इन टू द सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम को हल करने से पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर किसी ने एक पज़ल सॉल्व करना हो तो उस पज़ल को बग़ैर समझे हम उसको हल नहीं कर सकते। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी शेप कहाँ पे फिट होगी, तब तक हम इस पज़ल को हल नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि हम बग़ैर उसको समझे उसके सोल्यूशन की तरफ चले जाएं। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने से ये होता है कि एक तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ईज़िली सॉल्व हो जाता है, दूसरा हमारा जो टाइम लग रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो भी बचता है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी बचते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से 5 W's के आंसर्स तलाश करने। अब 5 W's क्या हैं? व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। हमने इन 5 W's के आंसर्स तलाश करने हैं उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से। जब हमें इन 5 W's के आंसर्स मिल जाएंगे तो हम उस प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं। सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम्स स्टार्ट विद द लेटर ए। The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all the school students and there is only 1 week to complete the task. आपके टीचर ने आपको एक लिस्ट बनाने के लिए कहा अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब वो लिस्ट जो है वो हम क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं, और ये काम करने के लिए आपके पास एक हफ्ते का टाइम है। अब हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज़ करते हैं, और एनालाइज़ कैसे करेंगे? हम उन 5 W's के आंसर्स जो हैं वो तलाश करेंगे उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से, तो हम उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट, कि हम क्या करना चाहते हैं। हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। हु, किसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं? हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई, हम क्यों काम करना चाहते हैं? हम ये लिस्ट इस वजह से बनाना चाहते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं। ए वाले जो बच्चे हैं उनके नाम पहले आए, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड सो ऑन। अब ये काम हमने कब तक करना है? व्हेन, तो ये हमने करना है 1 वीक के अंदर। और कहाँ पर हमने ये काम करना है? स्कूल के अंदर। तो हमने इस प्रॉब्लम में से इन 5 W's के आंसर जब निकाले हैं तो हम इस प्रॉब्लम के बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं। अब हमें इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी है, हमें पता चल चुका है कि हम इस प्रॉब्लम को क्यों हल करना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है। तो बेटे, ये था आज का आपका टॉपिक। आपका होमवर्क ये है कि आपने ये बुक का पेज नंबर 3 है, इस पर हमने अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ये हमने आज कम्प्लीट किया। ऐसे बच्चे जो कि इसको कम्प्लीट याद कर सकते हैं वो इसको कम्प्लीट याद करेंगे और कंप्लीट लिखेंगे। अब वो बच्चे जो इसको पूरा याद नहीं कर सकते वो जस्ट उतना याद कर लें जितना मैंने इस स्लाइड में आपको पढ़ाया है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह।